हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वेज फ्राइड राइस, जिसमें कि हमने लिए हैं 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 100 ग्राम स्प्रिंग अनियन, 100 ग्राम अनियन, 100 ग्राम कैप्सिकम और हमने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम रेड बेल पेपर और हमने यहाँ पर थोड़ी सी सोयाबीन भिगो दी है अच्छे टेस्ट के लिए। अब हमने यहाँ पर 50-50 ग्राम पनीर और मटर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं ये है हमारी 50 ग्राम मटर और ये है हमारी 50 ग्राम पनीर। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। थोड़ा वेट करना है आपको जब तक आपका ऑयल गर्म नहीं हो जाता है। या देख सकते हैं हमारे फ्राइड राइस ऐसे बनेंगे। ये है फ्राइड राइस मसाला, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आपको ये किसी भी शॉप से मिल सकता है। तो प्लीज इसे जल्दी से जाके बाय कीजिए और बनाइए अपने फ्राइड राइस को बहुत बढ़िया। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम लोग रायता तैयार कर लेते हैं। अब हमने यहाँ थोड़ा दही डाल दिया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पर 2 ग्लास वाटर ऐड किया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसे स्टर करेंगे, आप देख सकते हैं आलू अभी इसे स्टर कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा रायता मसाला डाल देंगे। हमने इसमें 1 टेबलस्पून रायता मसाला ऐड कर दिया है। तो अभी हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। अब हम लोग इसमें बूंदी ऐड करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने इसमें बूंदी ऐड कर दी है। यह सत्यम लगती सारी बूंदी ऐड कर दी है। अब हम थोड़ा चला लेंगे जिससे चारों तरफ आ जाए, नीचे भी आ जाए। आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा स्लो फिल करेंगे थोड़ी फैल ना जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, आपको जीरा अच्छे से चलाना है। हमारा रायता बन जाए, तैयार हो गया, बहुत अच्छा। अब हम इसमें थोड़ा सा अनियन डाल देंगे। हमने इसमें अनियन डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपका फ्राइड राइस बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप भी अपने मनपसंद तरीके से फ्राइड राइस बना सकें। हमने इसे थोड़ा सा सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें कुछ और ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इसमें करेंगे फ्रेंच बीन्स। हमने फ्रेंच बीन्स डाल दी है। अब हम इसमें रेड बेल पेपर ऐड करने जा रहे हैं। हमने रेड बेल पेपर ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कैप्सिकम। हमने इसमें ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको बस रहना है। हमने इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से चला लेना है। हमने रायता ठंडे होने रख दिया है। हमारा रायता ठंडा बहुत अच्छा लगता है इसलिए। अब बारी आ गई है इस फ्राइड राइस को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। हम थोड़ा चला लेते हैं फिर थोड़ा अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालने जा रहे हैं। हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। ये है लाल मिर्च, हमने अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दी है थोड़ी सी। और अब हम इसमें चाइनीज मसाला ऐड करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये है चाइनीज मसाला, हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पर कुछ सोयाबीन भिगोई थी, अब हम इसका जो पानी है वो निकाल रहे हैं। हमने इसे थोड़ा सा पकने दिया है। अब हमारी सोयाबीन सारी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं अच्छी तरह से। अब हमने इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दिया है, आप देख सकते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। अब हम इसमें अपने बॉइल्ड राइस डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने अपने हिसाब से राइस बॉइल किए थे। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड करने जा रहे हैं, 50 ग्राम हमने लिया था, सब डाल देंगे। हमने सारा पनीर डाल दिया है। तो अभी हम चिंग्स मसाला डालने जा रहे हैं। आलू अभी इसे कट करके डालेगा। अभी हमें थोड़ा आलू डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें टेस्ट कर देखेंगे। इसे हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आलम ने स्पाइसेस डाले हैं, मैंने वेजिटेबल्स कट करी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रायता भी आ गया है, हम इसे भी पीते हैं। सो कूल, मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।